यूपी के कानपुर से साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ श्रम विभाग के पोर्टल में साइबर ठगों ने सेंध लगाई है। साइबर ठगों ने पोर्टल से 1,07,80,000 रुपए उड़ा दिए। शातिर ठगों ने 196 खातों में रुपए ट्रांसफर किए हैं। मामले की जानकारी होने पर अपर श्रमायुक्त ने साइबर थाने में FIR दर्ज कराई है। वहीं अब इस मामले की चर्चा तेज है। इस मामले में अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन माध्यम के जरिए लाभार्थी को पैसे पास किए जाते हैं, उसके बाद उसमें ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से पेमेंट होता है। इसमें सारे स्टेप्स ब्रेक हुए हैं। हमारे यहाँ निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। इस ऑनलाइन पोर्टल में ही बहुत सारे स्टेप्स बने हुए हैं, नीचे से ऊपर तक, और इवन उसके बाद जो है ट्रेजरी ऑफिसर के माध्यम से फाइनल पेमेंट होता है उनके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से। तो इसमें सारे स्टेप्स ब्रेक हुए हैं। ये कैसे हुए हैं इसको लेकर के मैंने FIR करवाई है साइबर थाने में। बता दें कि बीती 30 जनवरी को मामले की जानकारी हुई। पोर्टल से पेमेंट करने की कोशिश करने के दौरान ये बात पता चली कि करोड़ों रुपए पर ठगों ने सेंध लगा दी है। वहीं पूरे मामले की जानकारी श्रम बोर्ड के अधिकारियों को भी दी गई है। ADCP क्राइम मनीष सोनकर ने बताया है कि मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है उसके अनुसार उनका जो सरकारी बैंक खाता है उससे जिससे लाभार्थियों के अकाउंट में समुचित वेरिफिकेशन के बाद पैसा जाता है, उस खाते से अनधिकृत रूप से 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम निकाल ली गई है। लेखा अधिकारी द्वारा जो पेमेंट की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसमें से बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करे बिना उनके वेबसाइट्स पे जो ऑप्शंस हैं उनको बाईपास करते हुए पेमेंट एयरटेल बैंक के उनके जो उन्होंने प्राथमिक जानकारी दी है उसके अनुसार एयरटेल बैंक के विभिन्न खातों में ट्रांसफ़र हो गया है। 55,000 रुपये का अमाउंट से जो है पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और वो तुरंत विड्रॉ भी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में अपर श्रमायुक्त के फर्जी डिटेलिंग सिग्नेचर लगाकर मैपिंग की गई है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस ने तेज कर दी है।